हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जाने वाले अपने रिलेटिव के घर, जो कि मेरे भैया और भाभी है, उनके घर जाएंगे। आज भैया की बहन यानी कि हमारी दीदी, वो आएगी, भात नोतने आएगी। तो उनकी लड़के की शादी है, दुई के आने के बाद जाएंगे उनके घर हम। तो गाइस, ये देखिए, रूही आ चुकी है स्कूल से, और क्या लाई है अपने साथ है? चिप्स। रोज चीज लेके आती है, रोज चीज। सड़ जाएंगे तेरे दांत, दिखाई हो इनको सड़े हुए, ये देखना इसके दांत। चलो आपकी यूनिफॉर्म चेंज करती हूँ, फिर उधर से लेगा। वंशिका और घर चलेगी क्या? हाँ? आज डस्टबिन में डाल दिया छरी ने। डाल उसको उठा। चलिए यूनिफॉर्म चेंज करती हूँ। ठीक, अब मैं कर रही हूँ। आज मैंने और रूही ने सेम हेयर बैंड डाला है। रूही अपने घर से डाल के गई थी आज स्कूल में ये वाला, और मैंने ऑटोमेटिक किया। हम दोनों ने इत्तेफाक से दोनों का सेम सेम हो गया ना, और ड्रेस भी पिंक और पिंक ही डाल रही है ना, पिंक और व्हाइट। ये देख, इसका थोड़ा सा मैरून है। तेरा लवा दिखाई, इसका थोड़ा सा मैरून है, बट ये वाला पिंक थोड़ा मैचिंग तो हो रहा है, मैचिंग तो हो रहा है। व्हाइट का है, ये रहा व्हाइट प्लाजो। तो आज मैं वियर करने वाली हूँ ये वाला दुपट्टा, इस तरीके से इसकी सरक बना ली है। ऐसे नहीं बनती सरक, मैं इससे देखता ऐसे यहाँ गांठ लगा देंगे। देखिए गाइस, जैसा मैं बनाता हूँ गाइस वैसे अच्छी लगती है ना। तू कैसे बनाती है? मैं लगता है ऐसा लगता है। हाँ, ये देखिए, आ जाओ। ये देखो वंशी का बुलाने आ गई हमें। ये देखो अपनी टीम बना रहे हैं। आ रहे हम अभी। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना। हाँ, ये कह रही है वो सब कर देना। ये देखिए, अब हम रेडी होके जा रहे हैं। ये ठीक लगे हो? कौन सूट लगा? कौन सूट लगी? सच्ची लग रही है। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं अपनी भाभी और भैया के घर। अभी जो ये तो मेरी दीदी है पिंक सूट में, जो तिलक कर रहे हैं, और जिनके तिलक कर रहे हैं वो मेरे भैया भाभी हैं। ये दीदी भात नोतने आई है, ये रस्म हो रही है भात नोतने की। ये पोटली है जो बहन लेके आती है, फिर इसके अंदर गुड़ बतासे मिठाइयाँ फ्रूट वगैरह होते हैं, और ड्रेस होती है भाई की, तो इसको भाई भाभी मिलके खोलते हैं। ये भी रसम का एक हिस्सा है। ये गुड़ है, गुड़ को तिलक कर रहे हैं। Thank you.
ये देखिए हम भाभी और के घर से आ गए भैया और के। ये देखा हमारी चौकी पे क्या इतना सुंदर प्यारा। अरे ये कार्ता बजोर से है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। कार्ता बजोर से ये कुछ। तो गाइज मैं घर पे आ गई थी क्योंकि ट्यूशन के बच्चों का टाइम हो गया, तो अब ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। ये देखो मेरा नाखून टूट गया, ये देखना। यहाँ से टूटते हैं नाखून, इस जगह से बहुत दर्द होता है। पहले ये वाला टूट गया था, ये भी यहाँ से टूटा हुआ है और ये भी यहाँ से टूट गया। यहाँ से कैसे काटूं इसको, ऐसा ही होता है मेरे साथ। ये देखिए टूट गया। तो गाइज अब हो गई है शाम और हमारे घर आज हमने करवाया ये वाला स्टील का, जो पहले हमारे यहाँ ग्रिल नहीं लगी हुई थी स्टील की, ये बस ये शीशे शीशे लगे हुए थे। तो पहले तो हमने शीशे शीशे लगवाने की सोचा था। तो गाइज हमने आज ये लगवाया है स्टील की ग्रिल अपने इन शीशों में बाहर बालकनी में। पहले हमने सिर्फ शीशे शीशे लगवाने की सोची थी, मतलब लगवाए लिए थे शीशे, खाली ग्रिल नहीं, ऐसे सिंपल अच्छे लगते हैं शीशे वगैरह। फिर इनकी ना ग्रिल अच्छी नहीं रही, बिल्कुल ऐसे हिलने लगे थे, तो हमने ये इनकी मजबूती के लिए स्टील की ये ग्रिल लगवा ली है। ऐसे ही ऊपर वाली छत पे भी सेम ऐसी लगवा ली है, अच्छी लग रही है वैसे तो ये। अब इनकी मजबूती भी है, पहले हिल रही थी ये, डर लग रहा था पकड़ने में ऐसे, अब मस्त है, बिल्कुल ऐसे खड़े होने में भी मजे आ रहे हैं। तो अब देखो उन्होंने क्या किया है, लोगों को दिखा सकती हूँ। तो ये देखिए कितना कचरा, इनको लगाने में भी इतनी दूर तक गया हुआ है कचरा इनका। जब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी उस टाइम लगाई है ये सारी ग्रिल। ये देखिए कर दिया मैंने क्लीन बिल्कुल। ये देखिए रेलिंग लगने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। पॉपी ये ले पॉपी बिस्किट खा ले। अरे वाह आज तो बिस्किट मिल गए, मजे आएंगे, टेस्टी टेस्टी। और दो मुझे। अरे हाथ छोड़ो मुझे खा। हाँ यम्मी यम्मी यम्मी। पॉपी दूध पी रहा है, पॉपी दूध बिस्किट खा रहा है पॉपी। हाँ अब डिस्टर्ब मत कर, दूध पीने दे मुझे। आई होप यू गाइज आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय।